नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो मैं आज आपको एक ऐसी शहर पर लेकर जा रहा हूँ जिसके बारे में आप में से कई लोग सोच भी नहीं सकते। तो तैयार हैं आप मेरे साथ इस रोमांचित शहर के लिए? इस पृथ्वी पर कई सारे रास्ते, सड़क और पुल मौजूद है, तो क्या आप जानते हैं वर्ल्ड की आखिरी सड़क के बारे में? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको वहीं की शहर करा कर लाता हूँ। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस इंटरेस्टिंग सफर में। आपको यहाँ पर कई रहस्यों और इस सड़क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खेकेडी फैक्ट जोन में। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा, मैं आपको लेकर चलता हूँ द लास्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आखिरी सड़क की। अगर आपके दिमाग में दुनिया का आखिरी छोर देखने की उत्सुकता होती है तो आपको एक बार नॉर्वे जरूर जाना चाहिए। यहाँ दुनिया की आखिरी सड़क मौजूद है जो अर्थ के सिरो और नॉर्वे से जोड़ती है। यहीं पर दुनिया खत्म होती है। हम सभी अक्सर कहते हैं दुनिया यानी पृथ्वी गोल है, लेकिन फिर भी कभी तो दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते ही होंगे कि आखिरी छोर यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड कहां पर होगा, जहां दुनिया खत्म होती होगी। अगर ये सवाल आपके किसी से भी पूछेंगे तो शायद आपके इस सवाल का आंसर ना दे पाए, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि दुनिया किस जगह पर जाकर खत्म हो जाती है। यूरोपियन देश नॉर्वे में एक ऐसी रोड है जिसे दुनिया की आखिरी सड़क माना जाता है। कहा जाता है कि ये दुनिया की आखिरी सड़क है जिसके खत्म होने के बाद आपको सिर्फ समुद्र और ग्लेशियर के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस रोड को E69 हाईवे के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी इस जगह पर घूमना या जाना चाहते हैं तो यहाँ आप जुड़े रहिए हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंत तक और जानिए इस रोड से जुड़ी खास बातें और फैक्ट्स। E69 हाईवे पृथ्वी के सिरो को नॉर्वे से जोड़ती है। नॉर्थ ध्रुव पृथ्वी का सबसे सुंदर बिंदु है, इसी से अर्थ की धुरी घूमती है। यहाँ नॉर्वे देश भी है। E69 हाईवे पृथ्वी के सिरों को नॉर्वे से जोड़ता है। ये रोड एक ऐसी जगह जाकर खत्म होती है जहां से आपको जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। अगर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ और समुद्र दिखाई देगा, इस सड़क की लंबाई करीब 14 किलोमीटर बताई जाती है। E69 हाईवे पर ना ही कोई ड्राइव कर सकता है, ना ही किसी को अकेले जाने की अनुमति है। अगर आप E69 हाईवे रोड पर जाना चाहते हैं और दुनिया के यहां से दुनिया के आखिरी छोर या अंत को नजदीक से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई लोगों का एक ग्रुप तैयार करके यहाँ परमिशन लेनी होगी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि इस सड़क पर किसी भी व्यक्ति को न अकेले में जाने की परमिशन है। इसका कारण यह है कि यहाँ कई किलोमीटर तक हर तरफ चारों ओर बर्फ मोटी चादर बिछी है, जिसके कारण ये यहाँ खो जाने का खतरा बना रहता है। और दोस्तों, इस जगह की एक खास बात और है, यहाँ प्रत्येक वर्ष में 6 माह तक अंधेरा छाया हुआ रहता है। यहाँ दिन और रात का मिजाज भी एकदम अलग है। सामान्य दिन और रात की तुलना में यहाँ के दिन और रात बिल्कुल अलग नजर आते हैं। इन सभी चीजों का अनुभव लेना है अगर आपको, जरूर जाएं नॉर्वे की शहर पर। नॉर्थ ध्रुव के पास होने के कारण सर्दियों में यहाँ 6 महीने तक अंधेरा रहता है और गर्मियों में यहाँ लगातार सूरज दिखाई देता है। यानी तो सर्दियों में यहाँ दिन नहीं होता और गर्मियों में रात नहीं होती। ये भी एक अजीब सा इत्तेफाक है ना, आप जानते थे ऐसी जगह? लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इतनी मुश्किलों के बीच भी तमाम लोग यहाँ रहते हैं। इस इलाके में विंटर्स में टेम्परेचर -43 डिग्री और गर्मियों में 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और दोस्तों, किसी समय इस जगह पर मछलियों का बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था। इस जगह पर डूबता सूरज पोलर लाइट देखना बहुत ही रोमांचक है। कहा जाता है कि पहले इस जगह पर मछलियों का कारोबार होता था, लेकिन सन 1930 के बाद यहाँ टूरिस्ट का आना शुरू हो गया और मछलियों का बिजनेस बंद होने के साथ साथ यहाँ अधिक संख्या में टूरिस्ट के लिए होटल रेस्टोरेंट खुल गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलेंगे आपसे हमारी अगली ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तो इजाजत दीजिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर करें जिससे कि हेवी इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का अनुभव मिल सके। धन्यवाद।